देखिए, ये अखबार वालों ने पुलिस वालों की धज्जियां उड़ा दी। हमारे डिपार्टमेंट के लिए बड़ी शर्म की बात है। ये रंजीत नाम का डाकू 3 साल से हमारे इलाके में फिर रहा है। क्या मजाक हो रहा है? खून हो रहे हैं, गोली चल रही है, बलात्कार हो रहे हैं। सर, जब तक हमें जुर्म का पता चलता है, मुजरिम फरार हो चुके होते हैं। लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि पुलिस का रंजीत के साथ आमना सामना हुआ हो और वो बचकर निकल गया। मैं पूछता हूँ, ये आमना सामना क्यों नहीं हुआ? अब होगा सर। तुम कहना क्या चाहते हो? इसके लिए हमें वारदात का सामान पैदा करना पड़ेगा। वक्त की गाड़ी एक बार हाथ से निकल जाए तो जिंदगी भर हाथ नहीं आती। राजू, अगर तुम ये खबर सच्ची लाए हो तो हम ये डाका डंके की चोट पर डालेंगे। रंजीत, तुम आज तक इसलिए डाके डालते रहे क्योंकि कभी तुम्हारा और हमारा आमना सामना नहीं हुआ। रामनाथ, तुम्हारा जिक्र तो बहुत सुना था लेकिन मुलाकात आज हुई। यूं समझ लो कि तुम्हारी और हमारी आखिरी मुलाकात होगी। देखो रामनाथ भैया, यहाँ तेरे और मेरे सिवाय दूसरा कोई नहीं है और हमारे दरमियान 2 करोड़ रुपए है। 2 करोड़, आधा तेरा आधा मेरा। ये वर्दी देख रहे हो मेरी, जिस पर मेरे खून की लकीरें मेरी ईमानदारी की गवाही है, तुम उस पर रिश्वत का दाग लगाना चाहते हो? सोच लो रामनाथ, वक्त की गाड़ी एक बार हाथ से निकल जाती है तो जिंदगी भर हाथ नहीं आती। और तुम जैसा मुजरिम एक बार हाथ से निकल जाए तो जिंदगी भर कानून के हाथ नहीं आता। रामनाथ, रंजीत से दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी, याद रखना। जेल की सलाखों से जब मैं बाहर आऊंगा तो तुम्हारे घर में चिराग जलाने के लिए किसी को नहीं छोड़ूंगा। तुम जेल की सलाखों से बाहर निकलोगे लेकिन सिर्फ फांसी के तख्ते तक। चलो बच्चों, हमारे सामने खड़े हो जाओ। हाथ नीचे दोनों। जन्मदिन मुबारक हो बेटे, ये लो तुम्हारा तोहफा। थैंक यू मम्मी। अरे वाह, अरे बेटा देखा, तुम्हारी मम्मी ने अपने हाथों से सुई धागा लेकर कितने प्यार से तुम्हारा नाम लिखा है, राजेंद्र। राजेंद्र जी, लो दूध पी लो और आप भी खाना खा लीजिए। अश्विनी कहाँ? वो तो दूध पी के सो गया। लेकिन हम नहीं सोए, हम तो पापा के साथ चोर सिपाही खेलेंगे। अरे इतनी रात हो गई, चलो खेलना बिलना बंद, सो जाओ। आहा, एक मिनट रुको, इतनी जबरदस्ती क्यों करती हो? आप तो बच्चे को बिगाड़ रहे हैं। 5 मिनट में क्या बिगड़ेगा वो? नहीं, हम तो खेलेंगे। हाँ खेलेंगे, आप फिर तुम चोर बनोगे? नहीं,
आपकी बार मैं सिपाही बनूंगा और आप चोर बनेंगे। शुक्र है आंखें बंद करो, बिल्कुल अच्छी तरह बंद करो आंखें। हाँ आप खोलना मत, खोलना मत, खोलना मत, खोलना मत, खोलना मत। हाँ अब आके खोल लो। पकड़ लिया। चलो चलो आजम आजम आजम। औलाद इस चोर को बांध दो। जी इंस्पेक्टर। नहीं नहीं साहब, मेरा पहला कसूर है साहब, माफ कर दो साहब, मैं फिर नहीं करूंगा। तुम्हें चोरी करने आती है? साड़ी से बांधो। इसे साड़ी नहीं हथकड़ी बोलो हवलदार। जी इंस्पेक्टर। मेरा पहला कसूर है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। बताओ कौन है तुम्हारा बॉस, किसके लिए तुम चोरियां करते हो? मेरा कोई बॉस नहीं, मैं मजबूरी में चोरी करता हूँ। तुम सब कुछ जानते हो, सच सच बताओ नहीं तो मैं गोली चलाऊंगा। मैंने कहा था रामनाथ कि तेरे घर में चिराग जलाने वाला नहीं छोड़ूंगा। नहीं कुत्ते। माँ राम साधे। माँ लाला चिल्ला मत रामनाथ। राम राम। नहीं छोड़ दो उसे। वक्त की गाड़ी एक बार हाथ से निकल जाती है तो जिंदगी भर हाथ नहीं आती रामनाथ। वक्त मेरे साथ है, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं रामनाथ, बल्कि मौत से भी बदतर जिंदगी दूंगा। मैं तेरे बेटे को यहां से ले जाकर उसे अपने से भी बड़ा डाकू बनाऊंगा, ताकि तेरे जैसे 50 रामनाथ भी उसे पकड़ न सके। छोड़ मेरे बेटे को, छोड़। मैं हूँ।